हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। अगर बात करें इस शेयर की, तो दो ट्रेडिंग सेशन में, अगर बात करें थर्सडे और फ्राइडे में, लगभग 25 से 26% ये शेयर भाग चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा भागा था, बट नीचे आ चुका है। एक दिन तो अपर सर्किट भी लगा था। क्या रीज़न था, क्या हमें उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उससे रिलेटेड आइए वीडियो में बात करते हैं। और एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, दो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है, आप यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज वेल एज एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करें, श्री राम जी के अयोध्या मंदिर बनने में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, और डोनेशन देना एक अच्छा काम होता है। और अब बात करें, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन कंपनी को छोड़ो, और चार कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाई कि इन चार कंपनी में इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आने वाले 1 से 2 महीने में हो सकता है। और बात करें, इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कल के दिन में वीडियो अच्छी नहीं बनी थी, तो दोबारा इस वीडियो को बनाया है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ऑक्सीजन सप्लाई का शेयर है, जो कि अगर बात करें 2 महीने में 100% के रिटर्न दे चुका है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने जा रहे हैं वो है 5paisa। ओके, यहाँ देख सकते हैं 5paisa कैपिटल लिमिटेड। नाम देख के बिल्कुल मत चले जाना, क्योंकि इसके फंडामेंटल जानेंगे, फाइनेंशियल जानेंगे, फाइनेंशियल से आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना कैलिबर है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो देखिए कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2017 में आई थी, 2019 में, फिर इसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चली है ये। अभी बात करें तो कब तक, लगभग 3 साल कंसोलिडेशन फेज में चली है। बट एक साल इसने यहाँ पर जंप मारा था, 444 रुपीज़ पर चली थी, उसके बाद यहाँ पर नीचे आई है ये कंपनी। और फिर अगर बात करें अभी की, तो अभी इसने अगर बात करें 47% के रिटर्न इस कंपनी ने आपको दे दिए है। कब, लगभग 20 दिनों के अंदर अंदर 20 दिन के अंदर अंदर आपको 50% के रिटर्न दे दिए है। तो क्यों दिए है, ऐसा क्या न्यूज़ आ गई है, ऐसा क्या हुआ है कंपनी के साथ, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 52 वीक लो 131 रुपये पे 22 मई को ये शेयर चल रहा था, 465 पे 27 जुलाई को ये शेयर चल रहा था। इसके बाद इस यहाँ पर गिरावट हुई। अगर बात करें 28% के शेयर, लगभग 227,200 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 35% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, बाकी FIIs, DIIs और पब्लिक के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। 2019 में ये अगर राइट इशू भी लेके आए थे 1:1 का, यहाँ देख सकते हैं प्रीमियम इसमें 70 रुपीज़ का प्रीमियम भी यहाँ पर देते हुए नजर आए थे। अगर बात करें, यहाँ पर कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है। तो 5paisa है क्या, तो यहाँ पर अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, तो 5paisa एक ब्रोकिंग फर्म है, और अभी ब्रोकिंग फर्म भी नहीं है, और भी कुछ चेंज हो चुका है। ओके, एंड 5paisa.com यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं आप, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स से रिलेटेड भी यहाँ पर बातें हो रही है। तो 5paisa एक अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5paisa के कुछ न्यूज़ से, देखिए 20% का अपर सर्किट लगा था इसमें थर्सडे को। क्यों लगा था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5paisa कैपिटल टू रेज 251 करोड़, मतलब 251 करोड़ रुपए ये रेज कर रहे हैं। और कहाँ से, कितने रुपए पे, तो 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, मतलब 70% का प्रीमियम देके उस टाइम के हिसाब से ये शेयर को अगर बात की जाए तो फंड रेज करेंगे पर शेयर 500 के हिसाब से। तो इस वजह से ये शेयर में 20% का जंप दिखाई गया, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर बात कर रहे तो 5% ये शेयर भागता हुआ हमें नज़र आया था। इसके अलावा और भी कुछ बात कर ले, तो नॉट जस्ट डिस्काउंट ब्रोकर, तो ये केवल ब्रोकर ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 5paisa.com विल बी अ डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म भी बनने को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप इनकी यहाँ पर किसी भी आर्टिकल को क्लिक करके एक बार डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में यहाँ पर आता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा सबसे लास्ट में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो देखिए कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, 938 करोड़ रुपये की कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमेशा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंपनी में, हमेशा बताता हूँ, ताकि कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपको ज़्यादा लॉस होना हो। और ROCE की बात करें तो 2.31% की यहाँ पर ROCE है। डेट की बात करें तो कंपनी के पास डेट भी है 1.45% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्लेजिंग की बात करें तो 0% की प्लेजिंग है, कोई भी प्लेजिंग है नहीं। बट इसके फाइनेंशियल आपको चौंका देंगे। क्यों चौंका देंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई कंपनी आपको कंसिस्टेंसी दिखाती है प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ
पर अगर देखते हैं सेल्स, तो मार्च 2018 में 7 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जो कि यहाँ पर बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ 8 हुई, फिर 12 हुई, 18 हुई, 20, 22, 23, 26, 35, 42, 52, 49. तो अगर आप देख रहे हैं तो कंसिस्टेंसी है इसमें रिवेन्यू में, एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, नेगेटिव का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट में चेंज हो चुका है. 2 साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखा रही है कंपनी. नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर -6-7 करोड़ का प्रॉफिट, आज के डेट में 3 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठा हुआ है, 3.5 करोड़ के. एज वेल एज ईयरली बेसिस पे भी बात करें, 2014 में 5 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि अभी बढ़ के पिछले 12 महीने 179 करोड़ रुपए की सेल. मतलब आप समझ रहे हैं कि 6 साल के अंदर अंदर कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट 38 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है. बीच में कंपनी नेगेटिव में चल रही थी, जो कि अब प्रॉफिट में आ गई है. नेट प्रॉफिट की बात करें, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 9 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है, जो कि पिछले 6 साल में का परफॉर्मेंस है. तो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से कंसिस्टेंसी दिखा रही है प्रॉफिट में, और लॉसेस सीधे प्रॉफिट में आ रही है. रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के पास 121 करोड़ के रिजर्व्स है. बोरिंग की बात करें, कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर बोरिंग भी लेती हुई नजर आई है. 212 करोड़ रुपये की यहाँ बोरिंग है. अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 13 करोड़ रुपये का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट है, एज वेल एज अगर यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की बात करें, 507 करोड़ रुपये का कैश भी है. और यहाँ पर एसेट क्वालिटी बढ़ती जा रही है. और अगर हम यहां पर देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स लगभग 35% की होल्डिंग रखते हैं. FIIs की बात करें तो लगभग 17.5% की होल्डिंग. DIIs कुछ इसमें हिस्सा नहीं लेते हुए नजर आ रहे. पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 47% की हिस्सेदारी है इसमें से. यहाँ पर ये बड़े बड़े लोग हैं. HNIs की बात करें, यहाँ पर FIH मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन्हीं के पास यहाँ पर 27% की हिस्सेदारी है. और अगर यहाँ पर देखते हैं छोटे मोटे लोगों की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आ रही है. बाकी पब्लिक के पास यहाँ पर कमी हिस्सेदारी है. 47 बिल्कुल ना पकड़े, 23 अगर बात कर सकते 23, 28, 29, 30, तो लगभग 17% की हिस्सेदारी पब्लिक की नजर आ रही है. बाकी सारी हिस्सेदारी बड़े बड़े लोगों के हाथ में है. तो ऐसी कंपनी जो आपको रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी दिखाती है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा. इस आर्टिकल को भी एक बार जाके डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा. 5 पैसा अभी मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा, तो क्योंकि यहाँ पर शेयर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है और एक बड़ी कैंडल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, वो भी रेड में. तो ये शेयर शायद थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है. तो अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए मत. अभी अगर नीचे आपको मिलता है ये शेयर, तो आप इसे डेफिनेटली परचेज करने की सोचिएगा. और यहाँ पर 52 वीक 444 रुपीज का देखा था, तो वहाँ तक जाने के इसके पूरे पूरे चांसेस है, बट इसके लिए वो थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है. एज वेल एज बात करें तो अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. यहाँ फेरी और फेयरफैक्स एंड रिमको इंडिया यहाँ पर लगभग 190 करोड़ रुपए या पता नहीं कितने, इस आर्टिकल को ओपन करके देख लीजिएगा. अच्छा खासा है, लगभग 30 मिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है. तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी. ओके, 190 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर ये इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. बाकी इनके प्रमोटर्स ही इस इंश के शेयर को खरीदेंगे 60 करोड़ रुपये में. तो बाकी आप देख लीजिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा. फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप हेल्प जरूर लीजिएगा. खुद की पोजिशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी कर लीजिएगा. बाकी कंपनी अच्छा खासा रिवेन्यू, सेल्स में ग्रोथ सब कुछ दिखा रही है, तो कंपनी इज़ परफेक्ट. ओके, और ऐसी कंपनी धीरे धीरे चल के स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में तब्दील होती हुई नजर आ रही है. अगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, कंपनी इस तरीके का बिजनेस करती रहेगी, एक्सपेंड करती रहेगी, अपने आप को और डिजिटल करती रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म फ्यूचर में भी करती हुई नजर आएगी. सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर. और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास मिलती रहे. और बेल आइकन को हिट कर लीजिए. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.